हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवर्धन के बारे में देखा था। आवर्धन को चीड़ फाड़ दिया था। आपको जितना आवर्धन के बारे में पढ़ना है ना, जितना जानना है, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज हम लोगों जो है आंकिक प्रश्नों को करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? तैयार हैं ना जी? सब लोग तैयार होंगे। चलिए तो आज करते हैं आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण की क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमको लग रहा है ऐसा, न जाने क्यों। देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आप लोगों को कितना याद आता है। बाकी हम तो याद दिलवा ही देंगे, लेकिन याद दिलवाने से पहले अगर आपको याद आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। फिर देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, यानी एफ पूछ रहा है, छोटका एफ। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बहुत दिन हो गया ना। देख लीजिए, इसको बता देते हैं आप लोगों को। जिन लोगों को याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि एफ बराबर क्या क्या जी? आर बाई टू। अब तो याद आ ही गया होगा। चलिए, एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू। क्या होता है जी? आर बाई टू। चूँकि एफ बराबर आर बाई टू, तो अब देखिए हमको क्या निकलना, फोकस दूरी एफ ही ना निकलना है। तो एफ बराबर आर का मान कितना दिया है जी? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर बटा दो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा? अगर चिन्ह प्रयोग अगर आंसर में दिया है तो, वैसे नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उत्तल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आपको याद होगा ऐसे होता है ना जी, इधर है बाई तरफ, नहीं है दाई तरफ, है कहाँ है? इधर थोड़ी है, इधर है। क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आर का मान पॉजिटिव हुआ, यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। ध्यान में रखिएगा, कभी माइनस 10 सेंटीमीटर मारोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, लेकिन आपको जो है प्लस और माइनस से भी फर्क पड़ेगा। उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा? प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि आर क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका आंसर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर, नीचे लिखना मत भूलो इसको, यह अगर आप लिख देते हो ना तो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट इस पर जाएगा और वह आपके पूरे सॉल्यूशन को ना देख करके इससे डायरेक्ट सही मारेगा और आपको जो है पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो नीचे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इधर आपको एग्जामिनर को दिखेगा ही नहीं कि कहाँ आंसर लिखे हो। ठीक है, उतना सॉल्यूशन उसके टाइम उसके पास उतना टाइम थोड़ी है, तो इसलिए नीचे ज़रूर लिखना चाहिए ताकि आपको आपका आंसर जो है डायरेक्ट उससे प्रभावित करे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको। हम लोग लेंगे अब अगला क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की चिन्ह प्रयोग कभी मत भूलना। एक अवतल दर्पण की, वैसे मैंने सबका चिन्ह जो है एक एक करके आपको लिखवाया था, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, आवर्धन भी लिखवा दिया, अब क्या लिखवाऊंगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर
एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु की प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करें। आपको तो पता है सब बातें, फिर क्यों ती भी ज्ञात करें। चलो ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, चलो अच्छी बात है। आपको तो एक बात और देखकर खुश हो जाना चाहिए कि यह 5 सेंटीमीटर जो है आपका फोकस दूरी दिया हुआ है। चलिए ना यहाँ पे पहले क्या करें, फिगर बना दें। फिगर बना देंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने के लिए। एक अवतल दर्पण ही तो बनाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको भी, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ एक अवतल दर्पण। छोटा सा बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा बनाइएगा, कॉपी पर पूरा भर जाएगा। यहाँ पे ले लो एफ, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पी होता है और यहाँ पे क्या होता है, सी होता है। हई देखो, हई क्या है, 5 सेंटीमीटर है, हई क्या है, दोनों बराबर होता है ना जी, 5 गो 5 गो 10 गो, हई 5 है तो हई कितना, हई टोटल कितना होगा जी, टोटल हो जाएगा 10। और 10 सेंटीमीटर दूरी पर तो वस्तु रखा गया है, कितना दूरी पर वस्तु रखा गया है जी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो मान लो ना यहीं पर रखा हुआ है, इसमें क्या जाएगा तुम्हारा, चलो प्रतिबिंब बना लिया, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। कुछ समझ में आया बात, नहीं आया फिर से समझा देते हैं। ये हो गया ए, ई जो है ए सी, और यह हो गया मान लो बी, ठीक है। चलिए एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पे फोकस दूरी जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दी हुई है जी, एफ बराबर दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि बाई तरफ है, बाई तरफ जो भी चीज़ें होंगी उसके पीछे जो है आराम से माइनस लगा देना बिना फिक्र के, दाई तरफ जो भी चीज़ें होंगी उसके आगे जो है प्लस लगा देना। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। चलिए फिगर बना के भी मैंने आपको दिखा दिया, क्या होगा, क्या होगा जी, भी होगा -10 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया कि नहीं, फिगर बना के पता चल कर सकते हो आप, ठीक है। इतना तो ध्यान है ही आपका, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना तो आराम से फिगर आपको पता चल जाना चाहिए। 5 है तो 10 दुगुना है, तो यानी कि सी पर है, सी पर का प्रतिबिंब सी पर बनेगा, बराबर होगा, यानी कि भी बराबर भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। माइनस में कि प्लस में, ये भी माइनस में होगा। चलिए इसको जो है हम लोग दर्पण सूत्र से निकालते हैं। आपको पता है दर्पण सूत्र से क्या होता है, चूँकि 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/b का मान, भी का मान तो पता ही नहीं है, प्लस 1/u का मान देखो -10 है, बराबर क्या है 1/-5। यानी कहने का मतलब है 1/b माइनस 1/b माइनस 1/10, 1/10 बराबर -1/5, ठीक है, बराबर -1/5। इधर नीचे बना देते हैं, आगे देखिए, आगे 1/b को इधर रहने दो, ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे, तो -1/10 इधर आएगा, तो +1/10 और -1/5 है, यानी इसको कर दो तो 10 हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1/10 कितना आ गया जी, बराबर आ जाएगा आपका, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा -1/10। 1/b बराबर आ गया -1/10। अब थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर वाला तब तक हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अब मिटा दे इधर वाला,
देखिए देखिए, एक बटा भी बराबर आ गया माइनस एक बटा दस। क्या करो, गुणा कर दो, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, भी बराबर माइनस भी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और माइनस भी इधर क्यों रखना है, भी को इधर, माइनस को इधर ले आओ, माइनस 10 सेंटीमीटर। मैंने जो कहा था आया कि नहीं आया, माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया। प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई जी, 10 सेंटीमीटर। दर्पण के दाईं ओर की बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है। अब देखिए प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति क्या होगी जी, उल्टा वास्तविक बनेगा कि आभासी। माइनस में आया तो आभासी बनेगा ना, वास्तविक बनेगा, सॉरी, माइनस में आया तो वास्तविक बनेगा और प्लस में आता तो आभासी बनता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, ये तो हो गई प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक उल्टा। और कुछ बताना है, और कुछ बताना, बड़ा या छोटा। माइनस दस बटा दस करोगे तो क्या आएगा जी, माइनस एक आएगा, यानी बराबर बनेगा ना, बराबर बनेगा। बराबर नहीं भी लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आपको समझ में आ गया है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको जो है मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर ए बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर दिया है, यू बराबर माइनस 10 और भी पूछ रहा है। आपने दर्पण सूत्र का प्रयोग किया था, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा ए, उस पर हल करने पर आया माइनस एक बटा 10, बी का मान आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर। अब माइनस में आया तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बराबर लिखोगे भी, दोनों बराबर है इसलिए क्या होगा, बराबर होगा ही। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आकार ज्ञात करें, और आकार ज्ञात करें। क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं आप लोग तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए और उसके बाद करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यहाँ पे वस्तु दूरी नहीं दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे अवतल दर्पण है, ध्यान में रखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपको यह बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि चिन्हों का निर्धारण इसी से होगा और इसी से आपका आंसर आएगा। तो एक अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है एफ, फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। माइनस कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसके आगे कौन सा चिन्ह, माइनस। आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। चलिए आगे देखिए, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी कितनी है, वस्तु दूरी u कितनी है जी, u जो है 20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अवतल दर्पण वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस होता है, हमेशा माइनस होता है, ये भी बात आपको ध्यान में होगा। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और ज्ञात आकार ज्ञात करना, तो पहले प्रतिबिंब दूरी तो निकाल लें, स्थिति निकाल लें। माइनस में आएगा तो कहाँ बनेगा जी, बायां तरफ बनेगा, और प्लस में आया तो दायां तरफ बनेगा, ठीक है। तो स्थिति निकल जाएगी बाई तरफ की, दाई तरफ ये भी निकल जाएगी। चलिए आपको पता है दर्पण सूत्र से,
कुछ भी नहीं करना है, सब में आना है आपको दर्पण सूत्र से डायरेक्ट लिखना है। आपको दर्पण सूत्र तो याद होगा ही, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। अगर याद नहीं है तो पानी में डूब के मर जाओ। नहीं ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। एक बटा भी का मान तो पता ही नहीं है, प्लस एक बटा यू का मान कितना है जी, देखो माइनस बीस है, बराबर एक बटा एफ का मान कितना है जी, माइनस दस है, माइनस एक बटा दस। ठीक है, अब देखिए एक बटा भी बराबर ये प्लस वाला इधर हो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक बटा भी माइनस एक बटा बीस बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस एक बटा दस। अब देखिए अब क्या होगा, एक बटा भी माइनस एक बटा बीस को उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस एक बटा बीस और ये है माइनस एक बटा दस। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बीस आएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, एक और माइनस दो, या एक बटा भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक बटा बीस। या आप इसको क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, बी बराबर आ जाएगा आपका माइनस बीस सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कुछ आपका निकल चुका। अब देखिए क्या कह रहा है, माइनस है तो कहाँ निकलेगा, 20 सेंटीमीटर दाएं की बाईं तरफ, बाईं ओर ना, माइनस है तो बाईं ओर, माइनस है तो बाईं ओर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या रहा है, प्रकृति, प्रकृति बाईं ओर बन रहा है, यानी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। इसको जो है अभी मैं पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो बाईं तरफ वास्तविक, ये बात लिख दे रहा हूँ ताकि आगे आपको बुझा जाए। चलिए और प्रकृति पता चल गई, आकार ज्ञात करना, आकार कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो आपको पता है, याद हो सूत्र तो ध्यान में लाओ और यहाँ पे लिख दो, m बराबर माइनस बी बटा यू, आपको पता है ना जी, नहीं पता है याद कर लो ना, माइनस भी तो माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस भी का यानी कि माइनस बी से भी नहीं, और यू कितना है जी, यू कितना है, यू है आपका माइनस दस, है कि नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कट जाएगा ना जी, ए दस दूना बीस, यानी कि भी एम बराबर आपका आ गया क्या, माइनस दो, क्या आ गया जी, माइनस दो, एम बराबर आपका क्या आ गया, एम बराबर आपका आ गया माइनस दो, माइनस दो आ गया, यानी कि आकार क्या होगा, एम बराबर आ गया माइनस दो। अब देखिए m बराबर आ गया माइनस दो, इसको इधर वाला मिटा दे थोड़ा सा, चलिए मिटा देते हैं, इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको याद हो तो एक और सूत्र है, m बराबर माइनस दो है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वस्तु का आकार निकालना है। तो m यानी कि वस्तु का आकार कैसा होगा, यहाँ पे लिखते हैं आप, प्रतिबिंब देखिए जो जो पूछा है ना सबको लिखते हैं यहाँ पे नीचे, लास्ट में आपको यही लिखना है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के कहाँ, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। चलिए यह हो गया आपकी स्थिति, अब चलिए इसकी चलते हैं इसकी प्रकृति पर, प्रकृति कैसी थी, वास्तविक थी, यह प्रतिबिंब, यह वास्तविक स्थिति निकाल दी हम लोगों ने, अब प्रकृति, यह वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। अब चलिए और आकार दिखाना, आकार कितना होगा जी, वस्तु के आकार का दुगुना, यही ना बात है, वस्तु के आकार का क्या होगा, दुगुना, यह वस्तु के, आपको पता है आवर्धन क्या होता है, यह बताता है कि वस्तु का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का कितना गुना है, यह वस्तु के आकार का दो गुना है, दो गुना आकार का बनेगा, वस्तु के आकार के दोगुना आकार का बनेगा। ठीक है, चलिए इस बात को नोट कर लीजिए,
चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हमने क्या किया यहाँ पे, आपको पूछ रहा है स्थिति, स्थिति निकालने के लिए हमको दूरी निकालना, भी निकालना पड़ेगा, तो भी आ गया माइनस बीस सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस है तो बाईं ओर बनेगा, क्यों? क्योंकि बाईं ओर ही ना माइनस होता है, और दाईं ओर बनेगा यानी कि प्लस में होगा, प्लस में तो है नहीं, बाईं ओर बनेगा। अब बाईं ओर बना तो वास्तविक होगा, दाईं ओर बनता तब ना आभासी होता, तो वास्तविक हो गया। अब देखिए एम निकालना था, मैंने इसका जो है आपको आवर्धन क्यों निकालना है, क्योंकि अब कितना बड़ा बन रहा है आपको बताना पड़ेगा ना जी, साइज क्या है इसका। तो m बराबर माइनस दो आ गया है, यानी कि दोगुने आकार का बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको भी मिटा देते हैं और बढ़ते हैं एक और सुंदर से प्रश्न पे, और उसके बाद देंगे हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को आप करेंगे घर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या चालीस सेंटीमीटर लंबी है और चार सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, चार सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु अवतल दर्पण से, चार सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर जी? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको आप लोगों को तो करना ही करना है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति। आपको तो पता है स्थिति निकालने की कौन सा प्रयोग करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करें, और लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दिया है ना, उसको लिख लो। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो जी? वक्रता त्रिज्या आर दी हुई है, आर बराबर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, याद रखना। फोकस दूरी निकाल सकते हो इससे जी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है बराबर आर बाई टू, यानी कि माइनस 40 और बटा दो, माइनस 40 बटा दो कट जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया। चलिए फोकस दूरी आप लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छा। चलिए अब क्या कर रहा है, आगे कह रहा है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, वानी वस्तु दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। जो भी दिया है उसको लिख दो, वस्तु दूरी जो है यू जो है आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में यू क्या होगी, यानी यू हमेशा माइनस में होता है, वस्तु दूरी यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और चीज़ दी हुई है, 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु दूरी नहीं, 4 सेंटीमीटर लंबी कह रहा है, लंबी तो ऊंचाई h बराबर क्या दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। चलिए आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है, उसकी ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो हमको भी निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना जी, भी निकाल लो कि उसके बाद आवर्धन निकल जाएगा, आवर्धन निकल जाएगा तो है कौन सी बड़ी बात है। चलिए तो करते हैं क्या, दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र से लिखेंगे यहाँ पे क्या, दर्पण सूत्र से क्या होता है, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर क्या होता है, एक बटा एफ। चलिए एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर होता है एक बटा एफ। एक बटा भी क्या है, देखो भी क्या है, भी तो पता ही नहीं है,
प्लस एक बटा यू, यू क्या है माइनस 30 है, तो माइनस 30 बराबर एक बटा एफ, एफ क्या है जी माइनस 20 है, माइनस एक बटा 20। चलिए आगे ध्यान दीजिए, एक बटा भी ए प्लस माइनस 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 एक बटा 30 बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक बटा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एक बटा भी ए माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस एक बटा 30 और यह क्या है माइनस एक बटा 20। ठीक है, इन दोनों का निकाल दो, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ए आ जाएगा 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 2 माइनस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि एक बटा भी बराबर आ गया आपका माइनस एक बटा 60 या आपका भी बराबर आ जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस में आया तो कहाँ बनेगा दाई तरफ बाई तरफ, आपको पता है बाई तरफ बनेगी। केवल आपसे स्थिति पूछा है, प्रकृति तो पूछा नहीं है, वैसे प्रकृति पूछ भी देता तो क्या करती, यह बाई तरफ है तो क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, लेकिन आपसे केवल स्थिति पूछा है तो यहाँ पर केवल बाई रहने दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, एक बात याद रखिएगा यहाँ पर वास्तविक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है, यही बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको मिटा दिया हमने, अब हमको निकालना है क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति निकल गई है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या सबसे पहले याद रखिए एम बराबर दिया हुआ है आपका, आपको पता है कि माइनस वी बटा यू बराबर एच डैश बटा एच बराबर क्या होता है एम होता है, यही ना होता है जी। चलिए तो इसको इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, माइनस वी बटा यू, माइनस वी बटा यू माइनस अभी का मान देखो कितना आया है माइनस 60 आया, अभी का मान माइनस 60, बस बैठा देना है थोड़ा सा ध्यान धैर्य रख के बैठाइएगा सारा सही बनेगा, माइनस 60। चलिए यू कितना आया था जी, यू कितना आया था माइनस 30 था, यू कितना था माइनस 30 था, आप ले कॉपी पर लिखा होगा देखो। चलिए एच डैश, एच डैश पता नहीं है वही तो निकालना है, एच कितना था 4 सेंटीमीटर, एक बात बताइए एच क्या होगा प्लस में, हमेशा प्लस में होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कट जाएगा ना जी, ये 30 दूना 60 या हो जाएगा ये क्या माइनस 2 बराबर एच डैश और बटा 4 सेंटीमीटर, बटा में एक छुपा है ना जी, एच डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 गुना 4 सेंटीमीटर, माइनस 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी माइनस 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी माइनस 8 सेंटीमीटर, एक बात बताओ माइनस से क्या बनेगा वास्तविक बनेगा क्या भासी बनेगा, वास्तविक बनेगा है? अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी बड़ी होगी, देखिए हमको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी थी माइनस 8 सेंटीमीटर, स्थिति ज्ञात करनी थी 60 सेंटीमीटर बाईं ओर, याद रहेगा बात। चलिए इसको जो आप चाहें तो एक जगह अलग लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के 60 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा तथा यह इसकी लंबाई जो है माइनस 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग, हम लोग अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, इसको मिटाने के बाद हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है आपके होमवर्क के लिए, इसको मिटा दें, इतना तो आप कर ही लिए होंगे। अगला प्रश्न आपका होमवर्क है और इसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं बैठे हुए हैं तो, और कुछ प्रश्न और आगे भी देते हैं, एक दो प्रश्न और बढ़ा देते हैं आपको, ये 4 प्रश्न है आप इनको हल कीजिएगा, आपसे टोटल हो जाने चाहिए, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए इन दोनों प्रश्नों को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये 6 प्रश्न जो हैं आपको
इनके ये 6 प्रश्न आपने कर लिए और 4 प्रश्न हमने भी कराए, इन 10 प्रश्नों से आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट होता है। इन ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये सब अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो आप इनको कर लेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आप इस चैप्टर से संबंधित हल कर सकते हैं। आप अपना भारतीय भवन का बुक उठाइए, आप अपना NCERT का बुक उठाइए, दोनों बुक उठाइए, दोनों में न्यूमेरिकल ढूंढिए, कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल दिया है, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स है सबको खोजिए और सबको कीजिए। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तब तक आपको अगला चैप्टर जो है नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हमने अपनी तरफ से जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है टोटल क्लियर कर दिया है, जितने सारे कॉन्सेप्ट देने थे वो सारे हो चुके हैं। एक वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। एक वीडियो केवल आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा और उस वीडियो के बाद जो है हम लोग शुरुआत कर देंगे प्रकाश के अपवर्तन की। लेकिन आपका जो है फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, आज रहने देंगे बस इतना ही। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।